एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया, जिसके बाद अब पहले की ही तरह शिकायत के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो सकेगी। बिहार के हाजीपुर में भारी बारिश के बाद पानी भरने से परेशान लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की गाड़ी का घेराव किया। बाढ़ में गिरे इन लोगों ने प्रशासन पर किसी तरह की मदद नहीं देने का आरोप लगाया। जैसे ही रामविलास पासवान के आने की जानकारी मिली, वो वहां पहुंच गए और उनकी गाड़ी को घेर लिया। लोगों के घेराव करने के बाद रामविलास पासवान खुद गाड़ी से बाहर आए और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद रामविलास पासवान ने तुरंत इलाके के अधिकारियों को उन्हें दूर करने का निर्देश भी दिया। जो पाइप जो है बंद है, किसी अफसर को बुला करके उसको चालू करवा दीजिए जल्दी से। पानी की जल्द निकासी का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने रामविलास पासवान को जाने दिया। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने आरबीआई दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पीएमसी बैंक में हुई गड़बड़ी के बाद आरबीआई ने बैंक के खाता धारकों को 6 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की छूट दी है, जिससे नाराज बैंक के खाता धारकों ने आरबीआई दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पीएमसी बैंक मामले में जो खाता धारक हैं वो आज आरबीआई में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पैसे जो है वो अटक गए हैं। तमाम जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में नारे लिखे पर्चे और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक से अपनी मेहनत की कमाई नहीं निकाल पाने की वजह से प्रदर्शन में शामिल हर आदमी परेशान दिखा। एक आदमी तो रोता हुआ नजर आया। मेरे लाइफ का पूरा सेविंग्स, पैसे सब कुछ पीएमसी के पास पड़े हुए हैं और मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है कि मेरे पैसे मुझे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल एक आदमी बेहद गुस्से में दिखा और उसने आरबीआई पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। मेहनत करके पैसा रखा बैंक में, तब बोला गया कि बैंक सब सही चल रहा है। क्या शादी, क्या शादी, हमने मेहनत करके पैसा लगाया, ये गुंडागर्दी है। कितने पैसे आपके बैंक में? मेरे 2 करोड़ है। जबकि एक आदमी ने तो पैसे नहीं मिलने पर जहर खाने तक की बात कह दी। जहर खाने की नौबत आ गई है, रिस्पॉन्सिबल रहेगी मौजूदा सरकार, रिस्पॉन्सिबल रहेगी आरबीआई, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने से रोकने पर पुलिस और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि इन लोगों को दुर्गा पूजा के नाम पर जबरदस्ती चंदा वसूलने से मना किया था, जिसके बाद इन लोगों ने बड़ी तादाद में जुटकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर भी जलाए, जिसके बाद पुलिस की इन लोगों से झड़प हो गई। इन लोगों ने पुलिस वाले को पीछे की तरफ धकेल दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन ये लोग नहीं माने और हंगामा करते रहे। हंगामे के समय इन लोगों ने सड़क बंद कर दी, जिस वजह से वहां जैम लग गया। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में छिपे आतंकी चांद की चाल के हिसाब से साजिश बनाते हैं। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए अमावस्या की रात 2 से 5 बजे का बीच का जो समय है उसे चुनते हैं, क्योंकि उस दौरान अंधेरे में देखने वाली नाइट विजन डिवाइस भी सही से काम नहीं कर पाती है। यही नहीं, आतंकी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए भी सुबह से पहले का वक्त चुनते हैं, क्योंकि तब रोशनी बहुत कम होती है। एनआईए ने यह रिपोर्ट 35 से ज्यादा आतंकी हमलों, सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ और पकड़े गए आतंकियों के बयानों के आधार पर तैयार की है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर आतंकी पेन नदी, तरना नाला और नेशनल हाईवे 44 के जरिए भारत में घुसपैठ करते हैं। ताइवान में बड़े पुल के गिरने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 60 फीट ऊंचा ये पुल एक बड़ी नदी के ऊपर बना था, जो कि देखते ही देखते भरभराकर गिर गया। इससे पहले एक ट्रक पुल के ऊपर से गुजरता दिखा, लेकिन ट्रक के दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही पुल भरभराकर ढह गया। पुल के साथ ट्रक भी नीचे नदी में गिर गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल पहले तो बीच से मुड़ता दिखा, फिर देखते ही देखते पूरा पुल टूटकर पानी में समा गया। पुल के गिरने से पानी में इतनी तेज लहरें पैदा हुई कि किनारे खड़ी बड़ी बड़ी नावें भी तेजी से हिचकोले खाने लगी। नीचे मौजूद कई नावें पुल के मलबे में दबकर बर्बाद हो गईं। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव के काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको फौरन अस्पताल भिजवाया गया।
हरियाणा के करनाल में एक रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। हालांकि इस दौरान उन्होंने पीएम को फादर ऑफ इंडिया की जगह फादर ऑफ नेशन कह दिया। भारत ने जो अपनी शक्ति का एहसास कराया है अपने यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी आकर के ये कहने के लिए मजबूर होते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के अंदर फादर ऑफ नेशन की तरह इन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में केरल के सीएम पिनराई विजयन से मुलाकात। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में केरल के सीएम पिनराई विजयन से मुलाकात की, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को जल्द मदद पहुंचाने और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। We mentioned the flood situation and the need for quick compensation. यौन शोषण के आरोपों में घिरे चिन्मयानंद को लखनऊ के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिर शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल्ली जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस ग्वालियर के पास एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में सवार कई घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर है कि पीठ में चोट की वजह से टीम इंडिया में नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे। मलाइका अरोड़ा ने लोगों से गांधी जयंती पर सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के तहत होने वाली दौड़ में हिस्सा लेने की अपील की। दिस इज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑनरेबल किरण रिजिजू एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग मेकिंग इंडिया फिट एंड स्विच। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ लोगों पर गैंग वॉर में एक लड़के को अगवा करने के बाद उसकी पिटाई करने का आरोप लगा है। ये घटना 22 सितंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते दिखे। लड़के को अगवा करने के बाद आरोपी उसे जंगल में ले गए और उसकी पिटाई करने लगे। उस लड़के के कपड़े उतारने के बाद दो आरोपियों ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि एक आरोपी प्लास्टिक के डंडे से उसकी पिटाई करने लगा। पिटाई के दौरान आरोपी उस लड़के से बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि गोली किसने चलाई। गोली की के कहने पे चलाई। इस बीच वो लड़का आरोपियों से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उस लड़के की पिटाई करते रहे। पुलिस ने 22 सितंबर को ही आरोपियों के चंगुल से उस लड़के को छुड़ा लेने का दावा किया। युवक को किडनैप किया गया था, उसकी मारपीट की गई थी, उसी दिन उसको छुड़ाया गया था। साथ ही मारपीट करने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। यूपी के बहराइच में मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक मगरमच्छ के फंसने से हड़कंप मच गया। कुछ मछुआरों ने गांव के पास के एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए बड़ा जाल डाला था, लेकिन मछुआरों ने जब जाल को बाहर निकाला तो उसमें एक बड़ा मगरमच्छ फंसा हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी लगते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मछुआरों ने रस्सी से मगरमच्छ को बांध दिया। कुछ देर बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को गाड़ी में रखकर अपने साथ ले गई। मछुआरों के जाल में एक मगरमच्छ फंस गया था, उसको पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को घाघरा नदी में छोड़ने का भरोसा दिया। और इधर यूपी के बरेली में फोम के गत्ते बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री से आग की करीब 50 मीटर ऊंची लपटें उठने लगी। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे केमिकल, फोम और प्लास्टिक के सामान की वजह से आग तेजी से भड़की। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और वहां काम करने वाले लोग फोम के अधूरे बने गद्दों को आग की चपेट में आने से बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं सर, फोन कर चुके हैं सर, आधे घंटे मतलब आग लगी, आधे घंटे फोन किया, आधे घंटे में अभी तक अवेलेबल नहीं है। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बताने पर सियासी पारा चढ़ गया। सुनील अंबेडकर ने आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी नाम की एक किताब लिखी है, जिसके बारे में न्यूज 18 से बात करते हुए सुनील अंबेडकर ने भारत के हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर दिया। संघ मानता है कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र, इसमें मुसलमानों को जगह नहीं, बिल्कुल जगह है पूरी। जिसके बाद आरजेडी ने तीखे तेवर दिखाते हुए आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा दिए। जरा बताएं, वैष्णव जन तो तैने कहिए वाले हिंदू चाहिए या वो हिंदू राष्ट्र चाहिए
जिसमें आप एक्सक्लूड करते हो लोगों को। हम तो बापू वाले हिंदू राष्ट्र हिंदू को मानते हैं। अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और इस स्टेडियम को तोड़कर दोबारा बनाने का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि 2020 तक ये स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम को दोबारा बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने के बाद इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकेंगे, यानी दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम से ये काफी बड़ा होगा। इस स्टेडियम को दोबारा बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ था और तब पुराने स्टेडियम को तोड़ने में ही 9 महीने लग गए थे। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने टोक्यो में सुमो पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी। जोकोविच कंधे की चोट से उबरने के बाद जापान ओपेरा में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन मैच से पहले वो सुमो पहलवानों से कुश्ती लड़ने पहुंच गए। सुमो पहलवानों से मिलने पहुंचे जोकोविच पहले तो उनकी कुश्ती देखते रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने जूते उतारे और सीधे रिंग में पहुंच गए। रिंग में मौजूद पहलवानों की तरह उन्होंने कई दावपेच भी दिखाए, जिसके बाद उन्होंने एक भारी भरकम सुमो पहलवान को चुनौती दी और उससे भिड़ गए। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी जोकोविच पहलवान को टस से मस नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने दोबारा कोशिश की और सुमो पहलवान को काफी दूर तक धकेल दिया। इस दौरान जोकोविच अपने से कई गुना वजनी सुमो पहलवानों को कड़ी टक्कर देते दिखे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रामलीला के दौरान रावण का किरदार कर रहे बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल की जबान फिसल गई, जिसके बाद वो कांग्रेस के साथ ही साधु संतों के भी निशाने पर आ गए। और इसकी वजह बना उनका वो डायलॉग जिसे उन्होंने रामलीला में सीता हरण के एक सीन के दौरान बोला। सीता, मेरे जान, सीता, मेरे जान। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथ लेने में देर नहीं लगाई। एक जनप्रतिनिधि की छवि खराब होती है, उससे जनप्रतिनिधियों के बारे में लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जनप्रतिनिधियों का अगर ऐसा आचरण है तो आम आदमी का आचरण कैसा होगा। वहीं साधुओं ने रावण का किरदार कर रहे बीजेपी विधायक की भाषा पर नाराजगी जताई। रावण ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल शास्त्र वेद में कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तथाकथित रावण लोग इस तरह भाषा को दुरुपयोग करता है। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने पहुंची श्रीलंका की टीम की सुरक्षा का एक वीडियो शेयर किया। पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट खेलने पहुंची श्रीलंका की टीम की सुरक्षा का एक वीडियो गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान के लोग ही अपने देश का मजाक उड़ाते नजर आए। कर्फ्यू लगा के मैच किस तरह खेला जाता है आज हम बताएंगे आपको। कर्नाटक के मैसूर में सबसे तेज इडली खाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसे 60 साल की एक महिला ने 1 मिनट में 6 इडली खाकर जीत लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से अगवा की गई 2 महीने की एक बच्ची को पुलिस ने उसी के एक नाबालिग रिश्तेदार से छुड़ा लिया, जो बच्ची को छोड़ने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी को चोट ठीक होने के बाद इमर्जिंग एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय टीम में शामिल किया गया। राजस्थान से खेलने वाले कमलेश ने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर काफी सुर्खियां बटोरी थी। लता मंगेशकर ने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया, जहां कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर की संख्या 50,000 पार कर गई। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के बिहार के लोगों पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त इलाज के लिए बिहार से आने वाले लोगों का जिक्र करते हुए अस्पतालों में भीड़ बढ़ने का हवाला दिया था, जिसे पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सचिवालय का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। इस हंगामे के बीच कुछ लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी खूब नारेबाजी की। केजरीवाल के बयान को पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताते हुए बीजेपी ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई। केजरीवाल तो गाजियाबाद से यहाँ पर आए थे या हरियाणा से यहाँ पर आए थे, तो भाई वो उत्तरांचलियों को पूर्वांचलियों को क्यों भगाने का काम कर रहे हैं। इधर बिहार के कैमूर बाढ़ में बाढ़ से घिरे एक गांव में गर्भवती महिला की अस्पताल नहीं पहुंच पाने के बाद घर में ही मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि महिला की खराब हालत की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं पहुंचाई, जिसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया।
महिला की मौत के बाद भी एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं मिलने पर मजबूरी में महिला के घर वाले उसके शव को नाव के जरिए शमशान घाट तक लेकर गए। शव को एक चारपाई पर रखकर शमशान घाट पहुंचाया गया। इस दौरान नाव पर बैठी महिलाएं फूट फूट कर रो रही थी। आरोप है कि कई बार फोन किए जाने के बाद भी महिला तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। गाड़ी वहां तक उनको द्वार पर नहीं चहुं पाया, इसीलिए उनको देर हो गया, मृत्यु हो गया। वहीं इलाके के एक अधिकारी ने जांच की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश की। लोग ये बोल रहे हैं कि डिलीवरी के कारण मौत हो गया, बाढ़ के कारण। अरे ठीक, किसके कारण इसकी जाँच होगी। जबकि कैमूर के डीएम ने कुछ दिन पहले ही बाढ़ में फंसे लोगों तक तुरंत मदद पहुँचाने का आदेश दिया था, लेकिन मौके पर मदद नहीं पहुँची, जिसके बाद दो जाने चली गयी। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में बारिश का पानी भरने से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मालदा में पिछले 15 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल के कई वार्डों में पानी भर गया और वहां भर्ती मरीजों ने परेशान होकर खुद ही अस्पताल से छुट्टी ले ली, जिसके बाद उनके तीमारदार उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल से ले गए। हॉस्पिटल जल ढुके गए, जल बेरानोर को निकास नहीं, जलर मध्य मैंने छुट्टी। हालांकि अस्पताल में भरे बारिश के पानी के बीच ही वहां भर्ती कुछ मरीज अपना इलाज कराते नजर आए। इस दौरान उनके घर वाले पानी में ही खड़े रहे। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी भरने से मरीजों को मिलने वाले इलाज पर भी असर पड़ा, जबकि डॉक्टर और नर्स भी परेशान नजर आए। मरीजों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में पानी भरने के बाद से डॉक्टर भी वहां आने से बच रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झूठे हलफनामे के जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। ये विवाद 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को झटका लगा और अब उन पर जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत केस चलाया जाएगा। फडणवीस पर जिन दो मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप है, उनमें पहला मामला मानहानि और दूसरा ठगी से जुड़ा है। हालांकि इन दोनों मामलों में अभी तक फडणवीस पर आरोप तय नहीं हुए हैं और उन्हें दोनों ही मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट से क्लीन चिट भी मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया और ये माना कि झूठा हलफनामा देने के इस मामले में फडणवीस पर पहली नजर में मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को झटका लगते ही विपक्ष आक्रामक हो गया और एनसीपी ने फडणवीस के चुनाव नहीं लड़ने की मांग कर डाली। अब उन्हें नैतिक आधार नहीं है कि वो राजनीति में रहें, वो तत्काल इस्तीफा दें और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेबनान में लगातार गिरती करेंसी की कीमत और आर्थिक तंगी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने राजधानी बेरूत में हिंसक प्रदर्शन किया। बीते कुछ दिनों में लेबनान की करेंसी में डॉलर के मुकाबले 20 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने राजधानी बेरूत के कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़कों पर टायरों और कूड़ेदानों में आग लगा दी। बवाल बढ़ने पर दंगा रोकने वाली पुलिस की खास टीमों को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए भेजा गया। इस दौरान कुछ लोग तो पुलिस से भी भिड़ गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस से हुई झड़प से थोड़ी देर पहले ही सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रैली निकाली थी। उन्होंने अपने मुंह को टेप की जगह लेबनान की करेंसी से बंद कर रखा था। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे देश लेबनान में आर्थिक तंगी के लिए वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पटना में आई बाढ़ और बारिश का बड़ा असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ा है। पटना में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले लोगों को अब सब्जियों के कई गुना दाम ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पटना में बारिश रुकने की वजह से बाढ़ का पानी तो घटने लगा, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए। शहर की सबसे बड़ी अंटा घाट सब्जी मंडी में भी सब्जियों के दाम 4 गुना तक बढ़ गए। हम अभी मौजूद हैं पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में। कद्दू पहले यहाँ पर 10 रुपए केजी मिलता था, जो अभी 40 रुपए किलो मिल रहा है। जो बैगन पहले 20 रुपए किलो मिलता था, वो 80 रुपए किलो मिल रहा है। पटना में सब्जियों के दाम में हुई ये बढ़ोतरी लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। पिताजी का असरात का काम है, सब्जी किन आए हैं, बहुत महंगा सब्जी मिल रहा है। जो लोग सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचे, उन्हें भी बढ़ी कीमतों की वजह से समझौता करना पड़ा। सब्जी जहां 20 रुपए किलो मिलता था, वहां 60 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है। कमाएगा 100 रुपया कहां से लाएगा सब्जी, उतना महंगा खरीदेगा।
दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है, तो वहीं तिब्बत के लोगों ने आजादी की मांग को लेकर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान हंगामा कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस जबरन पकड़कर बाहर भी ले गई। जम्मू में सुरक्षा बल ने एक बस से 15 किलो विस्फोटक बरामद कर आतंकी साजिश नाकाम कर दी। इस मामले में सुरक्षा बल ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से आतंकी घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन आतंकियों की साजिश पर तब पानी फिर गया जब एक खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बल ने जम्मू बस स्टैंड के पास एक बस से 15 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया। जम्मू शहर को दहलाने की साजिश को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी की शाखा ने एक ऑपरेशन चलाकर इस बस को सीज किया है। इस बस के भीतर से दो संदिग्ध और उसके साथ लगभग 15 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। जांच में पता चला कि जिस बस से विस्फोटक बरामद हुआ वो बस कठुआ जिले के बिलावर से जम्मू शहर पहुंची थी, जिसे बाद में सुरक्षा बल ने सीज कर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन पर बधाई। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके 74वें जन्मदिन पर बधाई दी। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा चिटफंड केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट के आरोप में एक स्पा सेंटर पर छापा मारा गया, जहां से पुलिस ने 5 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार से विशाखापट्टनम में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी, जिसके लिए रिद्धिमान साहा को टीम इंडिया में शामिल किया गया, यानी ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला। मेजबान पाकिस्तान ने 10 साल बाद वहां खेले गए मुकाबले में कमजोर श्रीलंकाई टीम को दूसरे वनडे में 67 रन से हरा दिया। सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नाजुल वो की छैया खिली है धूप दैया पे नच रहे हो स्लाइड मेरे रूप। मुझे पता है कि मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, पर मेरा हमेशा सपना था कि मेरी ब्यूटीफुल बीवी हो। यूपी के उन्नाव में गंगा के उफान पर आने से उसके किनारे बने एक मकान का एक हिस्सा ढह गया। मकान के ढहने की आशंका को देखते हुए उसमें रह रहे लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे, और उनके निकलने के कुछ ही देर बाद मकान का एक हिस्सा गंगा में समा गया। इससे पहले गंगा की लहरें किनारे से टकराते हुए तेजी से मिट्टी का कटान कर रही थी। डर के मारे दूर खड़े लोग नदी के उफान को देख रहे थे। जोर मारती लहरों के आगे किनारे की मिट्टी तेजी से गिरने लगी और कुछ ही देर में मकान का एक हिस्सा भी मिट्टी कटने की वजह से गिर गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने उस मकान में रह रहे परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। अगर अनुदान होता है सरकार की तरफ से, वो लोग हम लोग उनको देंगे, वो सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के शेखपुरा जिले में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वहां पहुंचकर डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव के जरिए डीएम इनायत खान राहत बचाव टीम के साथ वहां पहुंची और गांव के लोगों से बातचीत की, जहां डीएम ने प्रभावित लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाने के निर्देश दिए। बाढ़ से प्रभावित किसानों को भी डीएम ने बाकी भुगतान जल्द मिलने का भरोसा दिया। लंबे भुगतान तो आप लोगों को मिल जाएगा, आपके खाते में राशि अगले साल भी उस सबको ट्रांसफर हो जाएगा। डीएम ने वहां बाढ़ से बर्बाद हुई मक्का की फसल देखी और कृषि विभाग के अधिकारी से नुकसान की भरपाई के लिए रिपोर्ट मांगी। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने परमाणु हमले की गीदड़ भक्की पर इमरान खान को आतंकियों का रोल मॉडल करार दिया। इमरान खान हू प्लेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हू इज कैप्टन पाकिस्तान एंड देन टॉकिंग अबाउट पिकिंग अप गन, टॉकिंग अबाउट रेडिकलाइजेशन, टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर, दैट इज समथिंग व्हिच ही कैन ओनली बी अ रोल मॉडल फॉर प्रोबब्ली द टेररिस्ट ग्रुप्स दैट आर देयर इन पाकिस्तान। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर एक पंडाल में 50 किलो सोने से सजी मूर्ति लगाई गई। बताया गया कि इस मूर्ति की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, जिसे 110 किलो चांदी से सजाया जाएगा। लगभग 13 फीट ऊंची दुर्गा की मूर्ति की कोटिंग सोने से की गई और इसके आभूषण भी चांदी से तैयार किए गए। यूं तो कोलकाता की दुर्गा पूजा देखकर अच्छे अच्छों की आंखें चौंधी आ जाती हैं, लेकिन कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में इस बार दुर्गा प्रतिमा को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जबकि देवी दुर्गा की सवारी शेर और पैरों के नीचे रखे जाने वाली असुर की प्रतिमा पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। ये जो पूरा बन रहा है इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा ही जैसे ये शेर है वो सोना से
मोड़ दी जाएगी। इसके अलावा बाकी मूर्तियों और पंडाल को भी सुनहरे रंग से सजाया गया, जो देखने में किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हर साल की तरह इस साल भी पंडाल में लोगों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है और इसलिए पंडाल के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी की वजह से लोग दहशत में आ गए। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बम भी दागे, जिसकी वजह से पुंछ में LOC के पास बसे गांवों में हर ओर धमाकों का धुआं फैल गया। यही नहीं, शाहपुर सेक्टर के एक गांव में तो मकानों के पास बमों के धमाके की आवाज भी साफ सुनाई दी। बम दागने के साथ ही पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग भी जारी रही। पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलाबारी की वजह से इलाके के लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। जबरदस्त फायरिंग हो रही है और लोग सारे एक दहशत फैली हुए, लोग डरे हुए हैं, कोई काम काज हर चीज से परेशान है। वहीं स्कूल पहुंचे कुछ बच्चे गोलाबारी की वजह से स्कूलों में ही फंस गए, जबकि स्कूल के लिए निकले कुछ बच्चे आसपास के मकानों में शरण लेने को मजबूर हो गए। बच्चे स्कूलों के अंदर फंसे हुए हैं और माँ बाप इस वक्त अपने घरों के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा जो डिस्टर्बिंग का माहौल है और दहशत का माहौल है इस वक्त। बताया गया कि पाकिस्तान की ओर गोलाबारी का ये सिलसिला करीब 4 घंटे तक जारी रहा। चीन ने कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरा होने पर राजधानी बीजिंग में अमेरिका तक को निशाना बनाने वाली मिसाइल के प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखाई। मिसाइलों का ये प्रदर्शन नेशनल डे परेड के मौके पर किया गया, जिसके दौरान चीन ने तियानमेन स्क्वायर पर अपनी ताकत दिखाते हुए पहली बार DA-41 मिसाइलों का प्रदर्शन किया। DA-41 दुनिया की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है, यानी इन मिसाइलों के जरिए चीन अपनी धरती से अमेरिका तक मार करने की ताकत रखता है। चीन ने आवाज से भी 5 गुना तेज चलने वाली DF-17 मिसाइलों को भी पहली बार नेशनल डे परेड में शामिल किया। इन मिसाइलों के प्रदर्शन के बाद चीन में ही बने टैंकों को तियानमेन स्क्वायर पर लाया गया। हवा के साथ पानी में भी चलने वाले ड्रोन भी दिखाए गए। इन हथियारों की परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां मौजूद थे। परेड की शुरुआत चीन के झंडों के साथ 20 हेलीकॉप्टरों ने आसमान में उड़ान भरकर की। नीचे से इन हेलीकॉप्टरों को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में 70 लिखा हो। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति के काफिले ने परेड निकाली। उन्होंने सलामी देते हुए वहां मौजूद सैनिकों और मेहमानों का अभिवादन भी किया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली के कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट में कांच की बोतल में पानी का देने की शुरुआत की जा रही है। देश में खाने पीने की चीजों की निगरानी करने वाली संस्था FSSAI ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट में लोगों को कांच की सीलबंद बोतलों में पीने का पानी दिया जाएगा। लोगों को कांच की बोतल में मिलने वाले इस पानी के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। FSSAI ने बताया कि होटल अपनी जरूरत के मुताबिक कांच की बोतलों का दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। बताया गया कि कांच की बोतलों में पानी भरने के लिए होटल पानी भरने का प्लांट भी लगा सकते हैं। उम्मीद जताई गई है कि इससे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा और होटल के खर्च में भी कमी आएगी। FSSAI ने भरोसा दिया है कि होटल में सप्लाई होने वाले पानी की हर 6 महीने में जाँच भी की जाएगी। गुजरात के मोरबी में बाढ़ के पानी में फंसे करीब 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये लोग खेत में काम कर रहे थे और तभी अचानक वहां बाढ़ का पानी आ गया और लोग उसमें फंस गए, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसे करीब 10 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लोगों को बचाने के लिए ये टीम एक बोट के जरिए वहां पहुंची और फिर उन्हें निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहीं गुजरात के ही अरवल्ली इलाके में भारी बारिश के बाद आसपास की नदियों में उफान आ गया है, जिसके बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पानी सड़क पर सैलाब बनकर बहने लगा। बाढ़ के पानी की वजह से सड़क नदी में तब्दील हो गई और लोग मजबूरी में उसी पानी से निकलते दिखाई दिए। बारिश का पानी एक मकान में भी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। यूक्रेन में कार को पार्क करने के दौरान वहां लगा बैरियर गाड़ी के अंदर घुस गया। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की थी। बैरियर टूटने के बजाय कार के अंदर से आर पार हो गया। इससे पहले कार सवार पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर ले जाता नजर आया। उसके टोकन दिखाने पर वहां लगा बैरियर खुल गया और वो गाड़ी के साथ आगे निकल गया, लेकिन कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वो गाड़ी को रिवर्स करते हुए पीछे ले आया।
गाड़ी की टक्कर से बैरियर एक तरफ मुड़ गया और गाड़ी जैसे ही दोबारा आगे बढ़ी बैरियर ड्राइवर वाली खिड़की से अंदर घुसकर पिछले हिस्से से पार निकल गया। हालांकि बैरियर के आर पार होने के बावजूद ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और उसने गाड़ी को थोड़ा पीछे करते हुए बैरियर को बाहर निकाल दिया। इस दौरान वो टूटे हुए बैरियर को गाड़ी से दूर हटाता हुआ भी नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को दोबारा आगे बढ़ाया बैरियर एक बार फिर गाड़ी के अंदर घुस गया, जिसके बाद गुस्सा आया ड्राइवर बैरियर समेत गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अभी बंगाल के अंदर एनआरसी के मामले पर पूरी बंगाल की जनता को गुमराह किया जाता है। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट करने आया, बंगाल की जनता को सच्चाई बताने आया। ममता दी कह रही है कि एनआरसी आते ही लाखों लाखों हिंदू शरणार्थी है, उनको बंगाल पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। आज मैं सार्वजनिक रूप से बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं, आए हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिख जैन क्रिश्चियन सभी शरणार्थी भाइयों को और विशेषकर हिंदू शरणार्थी भाइयों को आश्वस्त करने आया हूं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। पटना में आई भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन बाढ़ के बाद अब जो हालात हैं वो और भी खतरनाक है। खाने पीने का जरूरी सामान अचानक तय कीमत से 10 गुना तक महंगा हो गया है। एक लीटर पानी के लिए लोगों को एक लीटर पेट्रोल जितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उस पर भरोसा करें तो सभी इलाकों में नाव चल रही हैं, खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी के टैंकर लगातार घूम रहे हैं और लोगों को भी राहत शिविरों में लाया जा रहा है। ये सभी दावे किए तो जा रहे हैं पर ऐसी कोई मदद दिख नहीं रही। हकीकत तो यह है कि पूरे पटना में लाखों लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की केवल 36 नाव ही लगी हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह पटना अंचल का जेसीबी है नगर निगम का, जिसे एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है। तो इसी तरह से एक तरफ नाव चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर, तो जेसीबी यही सहारा है यहाँ के लोगों के लिए। और राहत और बचाव का काम इतना सुस्त है कि 4 दिन से लोग भूखे प्यासे हैं। दूध की कीमतों में तो जैसे आग लगी है। समस्या ये है कि पानी निकलना कितना कोई पूछे वाले ना बढ़ा दे दिन न खाए के ठीक है पिए के ठीक है सुसर रहा पे खाते नियर तब न खाए के ठीक है पिए के सुसर बाद दिन में खाली दिन भर बाले बच्चे सब पड़ा रही हो। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या हो गया कि पानी से दुर्गंध उठ रहा है। अब बड़ी बीमारी फैलने का आशंका है। बीमारी बीमार पड़ने लगा है बच्चा सा। हम लोग हमरो भी तबीयत खराब है, भूखे हैं, मतलब कल्ले से सारा दुकान बंद है, सारा राशन सब बंद है, राशन भी मिल रहा है। 100 रुपए लीटर 100 रुपए लीटर दूध लीटर 100 रुपए लीटर पानी 50 रुपए किलो। समस्या तो बहुत खराब हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, कोई सामान मिल रहा है तो दोगुना भाव पर मिल रहा है। यहाँ पे कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है, नगर निगम करोड़ों का ले लेता है कि करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन करोड़ों के नाम पे फंडा मिल रहा है। 80 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आदमी रहेगा कैसे। बाढ़ की वजह से पटना में हाहाकार मचा है,